देश की राजधानी में भी तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। और अगर बात करें दिल्ली में कोरोना के एपिसेंटर की, यानी वो इलाका जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, तो वो दिल्ली का सबसे पॉश माना जाने वाला दक्षिणी दिल्ली जिला है। जी हाँ, दक्षिणी दिल्ली ज़िले की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉश इलाके सामने आते हैं। और इससे पहले कोरोना का जो ट्रेंड देखने को मिला उसमें दक्षिणी दिल्ली में इतने मामले या इतने कंटेनमेंट जोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि पूरी दिल्ली में 4000 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन अब तक बनाए जा चुके हैं। वहीं इन 4000 में से अकेले 1000 से ज़्यादा, यानी करीब 1/4 हिस्सा जो है वो दक्षिणी दिल्ली में मौजूद है। तो दक्षिणी दिल्ली में लगातार मामले जो हैं बढ़ रहे हैं, और उसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन जो है माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम के तहत माइक्रो कंटेनमेंट जोन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जहाँ भी 2 या 3 मामले आते हैं उस जगह को सील कर दिया जाता है, और तमाम जो सुविधाएं हैं वहां पर रहने वालों को वो सिर्फ प्रशासन ही मुहैया कराता है, किसी तरह की आवाजाही नहीं होती। दक्षिणी दिल्ली में कितने हालात जो हैं वो गंभीर हैं वो इस बात से भी पता चलता है कि कंटेनमेंट जोन के लिहाज से दूसरे नंबर पर जो ज़िला आता है वो है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 530 कंटेनमेंट जोन है, यानी करीब आधे कंटेनमेंट जोन है, इतना बड़ा फ़र्क है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को माना है कि इस बार जो कोरोना के मामले हैं दिल्ली में अगर बात करें तो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जब पहले कोरोना आया तो क्लस्टर इलाकों में ज़्यादा आया, और उसके बाद इस बार जो है वो पॉश इलाकों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि अपनी तरफ से सरकार जो है वो मैनेजमेंट करके कंटेनमेंट जोन का कोरोना को कंटेन करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से दक्षिणी दिल्ली में आंकड़े बढ़ रहे हैं और कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, उसको देखकर लगता नहीं कि अभी यहाँ पर कोई राहत जो है वो कोरोना से मिलने वाली है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।